नमस्ते किचन मम्मीदा में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक नए रेसिपी के साथ मैं आ गई हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम ना ड्राई बूंदी बनाएंगे। ये ना दूध के साथ या दही में डाल के या ऐसे भी ना बहुत यम्मी और मज़े का लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके सबके साथ भी ये रेसिपी शेयर किया जाए। तो ये मैंने ना अराउंड 250 ग्राम तक बेसन लिया है, मतलब ग्राम चने का बेसन है ये। एंड देन इसमें ना हम थोड़े थोड़े पानी डाल के अच्छे से एक लिक्विड टाइप की कंसिस्टेंसी में हम इसे बनाए, और ज़्यादा लिक्विड भी नहीं कि पानी जैसे। मैं आपको दिखा भी रही हूँ कैसे मैं करना। और यहाँ मेक श्योर देयर शुड नॉट बी एनी टाइप्स ऑफ लम्स या गुलटियाँ, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स करना है, जो गुलटी भी है ना उसे अच्छे से सब फोड़ के लेना है हमें स्पून के बैक वाली साइड से। तो ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, लिक्विड ही है ना, ज़्यादा एकदम लिक्विड है ना ज़्यादा एकदम थिक है। तो बस इसे ना हम थोड़ी देर ढक के रखेंगे अराउंड 15 मिनट्स तक। तो ये देखिए आफ्टर 15 मिनट्स बाद आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा सा भी वो नहीं हुआ, कितना अच्छा, और दाना बिल्कुल नहीं दिख रहा एक भी। तो बस अब इसे ना हम बूंदी को ना हम थोड़ा कलर देना चाहते हैं, तो इसे ना हम थोड़ा थोड़ा 2-2 टेबल स्पून के अराउंड, मैंने ना दो बाउल लिया है। दो बाउल इसलिए लिया है क्योंकि मैंने दो कलर डालने वाली हूँ, और एक मतलब थ्री टाइप्स ऑफ कलर्स करके मैं बूंदियाँ तैयार करने वाली। तो मैंने इसे सुपर ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ, ये देखिए बस। और अब इसमें ना मैं एक में ग्रीन कलर डालूँगी और फिर ये ग्रीन फूड कलर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं बाउल के फुल मैच में हो गया, कितना प्यारा लग रहा है। एंड अदर वन से भी मैं इसमें ऑरेंज डालूंगी, ऑरेंज फूड कलर, एंड देन इसे भी अच्छे से हमें मिक्स करके लेना है। देखिए तो ये देखिए हमारा एक येलो एंड एक ऑरेंज एंड एक ग्रीन तैयार हो गया। तो चलिए हम ना पहले जो ये येलो का क्वांटिटी ज़्यादा है मैंने उसे पहले बूंदी के कुछ हन, और ये मैं बात छा रहा है बूंदी का, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्पैचुला आते हैं ना बूंदी का छोटे छोटे पूड़ी छानने वाले उससे भी छान सकते हैं। और मेक श्योर तेल ना गर्म होना चाहिए, अगर ठंडा हुआ तेल तो ठंडे तेल में अगर आप बूंदी डालेंगे तो आपकी बूंदियाँ फूलेंगी नहीं। ये देखिए कैसे बड़े बड़े दाने हो ले ना, फूल फूल के जा रहे और तुरंत ऊपर आ जा रहे ऐसे नहीं दे। तो ये देखिए मेरे सारे बूंदी कैसे आराम से और गिल कैसे रहे, लिक्विड कंसिस्टेंसी ऐसे बूंदियाँ गिरनी चाहिए और ऊपर आना चाहिए। देखिए मेरा बूंदी फूल चुका है, अब बूंदी फूलना चाहिए इसलिए तेल गर्म रहे तभी हमें बूंदी इसमें डालना है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट हो भी गया है, और बूंदियाँ जल्दी पक जाती, 1-2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं और हो जाते हैं। तो इसे मैं ना ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ, बाजू में मैंने ना रख लिया है जाली का, इसके ऊपर डाल के लेंगे ताकि फिर जो तेल भी रहा ना बूंदी का वो नीचे हो जाए ट्रांसफ़र। तो अब मैंने येलो तो पूरा छान लिया, अब मैंने ग्रीन भी छान के ले रही हूँ। तो ये देखिए ग्रीन का मैं जैसे डाल रही हूँ वैसे तेल ऊपर तेल में जाके ये फट करके ऊपर आ जा रही है, देखिए और फूल भी जा रहे हैं, कितना प्यारा दिख रहा है कि नहीं। तो ये ग्रीन कलर भी ऐसे ही मैक्स टू मैक्स 1-2 मिनट्स लगेंगे, एंड देन ये भी तैयार हो जाएगा फ्राई करके। तो बस अब इसे भी हमने अच्छे से छान के ऐसे ग्रीन कलर का भी लेना है, ये देखिए। तो ग्रीन तो हो गए, अब बच्चा अपना ऑरेंज कलर। तो चलिए ऑरेंज को भी मैं थोड़ा सा फ्राई, मतलब जैसे येलो एंड ग्रीन झारा में किए थे ना वैसे ऑरेंज को भी हमने फ्राई करके तेल में ले लेने अच्छे से। ये देखिए कितना प्यारा कलर, कितना प्यारा खिलखिला कलर दिख रहा है ना, ब्राइट एकदम। तो ये भी मैंने छान के अच्छे से, और तेल पूरा अच्छे से वो हो जाए निकाल दें अच्छे से छान के, ये भी इसमें मैं साथ में तीनों डाल दे रही हूँ। तो ये देखिए कितना खिलखिल, और बूंदी आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े दाने में फूले हुए हैं बूंदी, ऐसे नहीं कि चुप वो नहीं हुए, सब दाने फूल के अच्छे से हुए। तो चलिए अब ना इसको मिठास देने के इसका चाशनी बना के लेंगे। ये कुछ अराउंड 100 ग्राम तक शुगर है, एंड देन जिस बाउल से हमने शुगर लिया है ना उसी बाउल से 1.5 बाउल तक वाटर ले कर, और इसे ना हमें शुगर को डिसॉल्व करना है, मतलब कि चीनी मेल्ट हो जाए अच्छे से उसमें, और ना इसे तार नहीं बनाना है हमें ना, मतलब कि एक स्टिकी बनाना चाहिए, तार बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, अगर तार बन गया तो दाने हो जाएंगे चीनी के इसमें। तो ये देखिए ये ऑलमोस्ट अच्छे से
मेल्ट भी हो गया और स्टिकी आपको दिखा रही, देख रहे हैं आप स्टिकी बन रहे, तार बनने की कोशिश हुई पर तार नहीं बने। तो बस ऐसे स्टिकी हमें बूंदी तैयार करना है चाशनी। अब इसे हमने गैस से उतार के जो ये बूंदियाँ बनाए ना, देखिए कितना प्यारा दिख रहा है। तो बस इसे हमें इसमें ट्रांसफ़र करके पूरा बूंदी और अच्छे से ना पूरा मिला के लेना है पूरा अच्छे से। और हाँ, वन हार्स या टू हार्स के बीच में ना हमें एक दो बार ऐसे चला के लेना, एटलीस्ट ये 5 to 6 hours लेगा मैक्स टू मैक्स। और अपनी बूंदी अच्छे से तैयार, मैंने 5 to 6 hours तक रखा था। अभी देखिए आप इसमें चाशनी भी है, अब आफ्टर 5 to 6 hours बाद देखेंगे इसमें ना चाशनी रहेंगे कुछ नहीं, और बूंदी में अच्छी से कोटपन आ जाएंगे शुगर की। तो आइए हम देखते हैं बूंदी। वाओ सो लवली, देख रहे हैं आप कितना प्यारा, एक अलग पूरा एक एक दाना अलग, ऐसे नहीं कि स्टिक हुए सारे, ये देखिए कितना अच्छा, हर एक दाने अलग है और हर एक दाने में शुगर स्टिक है। देखिए मैं हाथ में उठा के दिखा रही हूँ, देख रहे हैं आप कितना प्यारा और एकदम ड्राई, हाथ में स्टिक भी नहीं हुई। देखिए डाल रहे हैं प्लेट में, कितना अलग अलग दाना दिख रहा है, कितने मज़े का, कितना कलर इसका ब्राइट, कितना प्यारा दिख रहा है कि नहीं। तो ये देखिए कितना प्यारा, और ज़रूर आप इसे ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।